सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आदि सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक हो सी भी 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 सच पनत नानक
नानक करे विचार, साची वाणी सो तारे प्यार, साची वाणी सो तारे प्यार, ताको पावे मुख द्वार, जप तप सब के हो शब्द है सार, तप सब के हो शब्द है सार, जप तप सब के हो शब्द है सार, नजर करे तासिम दे जाए, नजर करे तासिम दे जाए, आत्मा द्रवे रहे निवलाए, आत्मा द्रवे रहे निवलाए, नासिम दे सिमरिया जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, कितना ही प्यारा शब्द है और उतने प्यारे उसके अर्थ भाव अर्थ। मेरे गुरु नानक पातशाह द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द, नदर करे ता सिमरिया जाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि हम सिमरन करते हैं, हम सिमरन करते हैं, सिमरन कैसे करते हैं सवाल होता है। असल में हम सिमरन नहीं करते, हम जप करते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो रोज हम करते हैं इसे जप कहते हैं, क्योंकि सिमरन किया नहीं जाता, सिमरन होता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़ा सा समझ के आगे बढ़ेंगे। जो हम वाहेगुरु वाहेगुरु करते हैं मूल मंत्र पढ़ते हैं इसे जप कहते हैं, जो हम करते हैं उसे जाप कहते हैं, जो होता है, जो करते नहीं है जो होता है उसे सिमरन कहते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सबसे ऊंची दात है, सबसे ऊंची अवस्था प्रभु का सिमरन है, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा अगर कोई चीज है गुरु की नजर में वो है प्रभु का सिमरन, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु का सिमरन उधरे
ऊंचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बूझे, एक 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 वर है सिमरन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हम आम ही कह देते कि सिमरन कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिमरन एक अवस्था का नाम है, सिमरन प्रेम की अवस्था का नाम है। किसी से अगर प्यार हो जाए दुनियावी तौर पर तो उसके ख्याल मन में चलते रहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ख्याल अगर गुरु के प्रति हो जाए, बोलिया रब दा की पाना इधरों पुटना ते इधर लाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अपने आप याद चले प्रेम गुरु नानक के प्रति, अपने आप उसे कहते हैं सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसकी याद आ रही हो उसका सिमरन कर रहे हैं। समझो कोई यहां बैठा है, ध्यान कहीं बाहर है तो बाहर का सिमरन कर रहा है। घर में यहां पर बैठ के भी अगर वो दुकान पे है, रिश्तेदारियों में, तो उनका सिमरन कर रहा है। कोई दुकान पर बैठा है, ध्यान उसका सत्संग में है, तो वो सिमरन सत्संग का कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर हमारी सुरत है, कल भी यही बात चल रही थी ना, भीतर की बात है सारी। यहाँ पर गुरबाणी सारी भीतर की बात करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहां पर हमारी सुरत है, जहां पर हमारा ध्यान है, उसी का हमारा सिमरन हो रहा है। हर कोई किसी ना किसी चीज का सिमरन कर ही रहा है। हर कोई किसी ना किसी को तो याद कर ही रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे दुश्मन को हो, चाहे दोस्त को हो, चाहे रिश्तेदार को हो, चाहे भाई को हो, किसी ना किसी की याद में हम जुड़े हुए हैं। जब यही याद प्रभु के प्रति हो जाए, उसे कहा है प्रभु का सिमरन सबते ऊंचा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी अपनी हड़बीतियों में सुनाते हैं कि छोटा सा पहले पहलू ले लें कि सिमरन क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। बाबा नंद सिंह जी अपनी हड़बीतियों में सुनाते हैं कि हरिद्वार की घटना है बहुत समय पहले की। बाबा नंद सिंह जी भी विचरा करते थे ना यहाँ वहाँ, तो एक साधुओं की टोली बैठी थी जो हिमालय से नीचे उतरी थी, तो बाबा नंद सिंह जी भी उनके साथ बैठ गए। तो वो लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, हर जगह से साधु आए हुए थे तो हरिद्वार में मिले। बाबा नंद सिंह जी बीच में जाके बैठ गए। बाबा नंद सिंह जी कहते वो जो आपस में बातें कर रहे थे वो सुना रहा हूँ। एक दूसरे से अवस्था पूछ रहे कि तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम्हारी अवस्था क्या है। तो एक कहता है कि हरिद्वार से लेकर श्री हरिमंदर साहब तक सोने की सड़क बना दो, सोने की, तब भी मेरा ध्यान उसमें नहीं जाएगा, निरंकार ने मुझे वो अवस्था बख्श दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव के माया से ऊपर उठा दिया है। ऐसे सब अपने अपने अवस्था बता रहे हैं, तो उसमें से एक बोलता है चाहे सब ने कितनी भी अवस्था पाली हो, मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबने कहा भाई तूने क्या त्याग किया, कहने लगा मेरी घरवाली बहुत खूबसूरत है, अत की खूबसूरत मेरी घरवाली, उसे छोड़कर मैं तपस्या पे निकला हुआ हूँ कितने सालों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितना बड़ा त्याग है मेरा। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, हम मुस्कुरा पड़े और हमने कहा तू कहता है कि तूने त्याग किया अपनी घरवाली का कि बहुत खूबसूरत है, और त्याग किया का है साथ में लेके तो घूम रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब तक यादों में बसी हुई है तेरे, याद तू उसी को कर रहा है, त्यागा कहाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जिसका सिमरन है उसकी याद बनी हुई है, तो सिमरन तो उसका हुआ ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक गुरु और शिष्य बैठे हैं, बड़ी प्यारी छोटी सी घटना है। गुरु और शिष्य बैठे हैं नदी किनारे, अचानक देखा एक जवान लड़की डूब रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो चिल्ला रही है कि बचाओ बचाओ बचाओ। गुरु ने शिष्य से कहा जाके बचाओ उसे। कहने लगा नहीं, आपने कहा था पढ़ाई पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरे वो डूब रही है उसे जाके बचा, वो बात अलग है, ये बात अलग है। पर शिष्य नहीं हिला। गुरु ने छलांग लगाई, जवान लड़की को गोद में उठा के बाहर लेके आए, उसकी जान बचाई। शिष्य ने आश्रम में पहुँच कर चिल्लाना शुरू कर दिया कि गुरु ने जवान लड़की को गोद में उठाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें कहते हैं पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाना, और पराई स्त्री को गोद में उठा के बाहर लेके आए। ये जवान लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, उसे गोद में उठा के लेके आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे दिन भी यही कहता रहा, तीसरे दिन भी यही कहता रहा। जब तीसरे दिन शाम को गुरु के सामने कहा कि गुरु आपने अच्छा नहीं किया, आपने जवान स्त्री को, पराई स्त्री को, खूबसूरत लड़की को गोद में उठाया, तो गुरु जी कहने लगे मैंने तो तीन दिन पहले गोद से उतार दिया था, तू कब उतारेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक, क्योंकि याद में बनी हुई है। जहां हमारी दृष्टि मन में जो ख्याल चल रहे हैं वो हमारा सिमरन है। अगर यही सिमरन गुरु नानक के प्रति हो जाए, जिसकी वजह लिए हम बैठे हैं यहां पर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यही सिमरन गुरु नानक के प्रति हो जाए, इसी मांग के लिए बैठे हैं, तो पाछा कहते हैं हो सकती है अगर वो नदर कर दे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हो सकती है, ये कर सकता है अगर नदर कर दे। नदर करे ता, यहां पे शर्त रख दी, ता सिमरिया जाए। ये सिमरन वो अवस्था है, चाहे कितनी भी कोई घाल ना घाल ले, अपनी घालना से नहीं मिलेगी। ये मिलेगी तो कैसे, वाणी कह रही है इसी शब्द में, गुर परसादी पाया जाए, फिर कान न खाए, हर सोच लागे फिर कान न खाए, नजर करे ता सिमरे आ जाए, नजर करे सिमरे आ जाए, नजर करे ता सिमरे आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, नदर करे ता सिमरे आ जाए। इस सिमरन की अवस्था मिलती है उसकी नदर से, बस गुरु प्रसाद ही पाया जाए। गुरु प्रसाद क्या है, उसकी नदर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, गुरु की कृपा। हर शब्द के आगे लिखा होता है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के महाराज के, हर अंग में ही आता है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, कि गुरु की कृपा द्वारा ही पाया जा सकता है। बस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, अपनी घालना से नहीं। कोई ये सोचे मैं 10 करोड़ माला कर लूं, 1 अरब श्री सुखमणि साहब जी के पाठ कर लो तो मिल जाएगा, नहीं, फिर तो उसकी गिनती हो गई, फिर तो उसकी एक कीमत हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, वो बेशकीमती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पाठ नहीं करना, नहीं, बाबा नंद सिंह जी समझाते थे पाठ इसलिए करना है कि उसे तरस आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई मजदूर मजदूरी कर रहा हो आपके सामने, गर्मी में रोड में खोद रहा हो, कुछ पत्थर उठा रहा हो, देख देख के आपको तरस आ ही जाएगा, आप एसी में बैठे हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब गुरु नानक देखेगा रोज अमृत वेले उठता है, झगड़े भी करता है कोई बात नहीं, अमृत वेले उठता है, आता तो है, स्नान करता है, माला फेरता है, सेवा करता है, चाहे गई गलतियां करते हैं पर फिर भी मेहनत तो कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तरस आ जाएगा, गुरु प्रसाद वर्त जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 बाणियां रोज पढ़ने को क्यों कहा है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, 5 नित्यनेम, रोज जब अमृत लौट के सिख करेगा, एक तो 5 बाणियां 5 काम क्रोध लो मोह अहंकार से लड़ने की ताकत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 5 बाणियां जिसके अंदर है तो बाहर भी कृपाण कशहरा कंगा कड़ा केस आ जाते हैं, अगर अंदर है तो, नहीं तो बाहर कभी नहीं रहता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नदर करे ता सिमरे आ जाए, उसकी नदर। बाबा नंद सिंह जी ने एक दिन सारे सेवादारों से सवाल पूछा कि सेवा बड़ी या सिमरन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। सेवा बड़ी है कि सिमरन बड़ा है, किसी ने कहा सेवा, किसी ने कहा सिमरन। सेवा बड़ी कि सिमरन, सेवा बड़ी के जाप, नाम जपना बड़ा कि सेवा करना बड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक ने अपने अपने हिसाब से बताया, जो सेवा ज्यादा करता था कहता सेवा बड़ी,
जो जाप यादा करता था कहता था जाप बड़ा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहने लगे नहीं, गुरु की नजर बड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी की सेवा पर उसकी नजर हो गई तो उसकी सेवा बड़ी, और अगर किसी के सिमरन पर, किसी के जाप पर उसकी नजर हो गई तो वो जाप बड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी सेवा और सिमरन नहीं हमारी घालना नहीं, बड़ी गुरु नानक की नजर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी उसकी मेहर है, उसका तरस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवय रवय लिवलाए। जब सिमरन दे देता है वो नदर करके, आत्मा द्रव जाती है, भाव नरम हो जाती है। नरम आत्मा में ही सिमरन की लीव की तार जुड़ सकती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। छोटी सी बात बीच में आगे दास ले ले, आत्मा द्रवय रहे लिवलाए। द्रवय का मतलब कोमल, भाव दयावान। जितने ज्यादा कोई धार्मिक होगा ना उसकी निशानी है उतनी ज्यादा वो दयावान होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसका हृदय इतना कोमल होगा कि दूसरे के तकलीफ देख के उसे रोना आ जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ देख के अगर रोना आ रहा है, समझ जाना बहुत कोमल हृदय है। जब कोमल हृदय है तो दयावान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जल्दी नजर हो जाएगी, जितनी ज्यादा दया उतनी जल्दी नजर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर एक आदमी के अपने तर्क होते हैं मांस खाने के प्रति, खा सकते कि नहीं खा सकते। मैं कहता हूं गुरबाणी का पहलू भी छोड़ दो, अपने तर्क भी छोड़ दो, साइंस को भी छोड़ दो, सिंपल सी बात ले लो। इतना तो पता है कि हमारे खाने के लिए उसे तकलीफ हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माणी कहती है तौल धर्म दया का पूत, धर्म दया का बेटा है, अगर माँ ही नहीं तो बेटा कहां से आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तौल धर्म दया का पूत, दया माता है, धर्म बेटा है। जहां दया ही नहीं वहां धर्म कैसे होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आत्मा द्रवय रहे लिवलाए, आत्मा द्रव जाएगी। कैसे नदर करे तो सिमरिया जाए, बड़ियाई विचार करमी आवे कपड़ा, नदरी मुख दुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करमी आवे कपड़ा, नदरी मुख दुआ। एक बार फिर से दास रिपीट कर दे ये बात कि बहुत नई संगत और बहुत कीमती बात है। अमृत वेले जो मांगो गुरु को देना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह कह रही, श्री जपजी साहब जी की बाणी में, साचा साहेब साच नाय पाख्या पाव पर आखे मंगे, दे दे दात करे दातार, फिर के अग्गे रखी है जिद दिशा दरबार, मुंह के बोलन बोलिए जिस सुन तेरे प्यार। अमृत वेला सच नाओ, जो अमृत वेले उठ के वड्याई विचारते हैं उसकी वड्याई करते हैं, जो मांगो वो देता है। इसलिए महापुरुष समझाते थे सोच समझ के मांगना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि मांगो के कर्म हो जाएगा। कर्मी आवे कपड़ा, कपड़ा क्या है, ये शरीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदरी मोख द्वार, अगर कुछ नहीं मांगा जपते गए उसकी नदर हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहले ठीक है, एक अवस्था होती है आदमी मांगता है जो जो चाहिए। कबीर जी ने भी मांगा है, भूखे भगत ना कीजिए माला अपने लीजिए, मैं भूखे भक्ति नहीं कर सकता, पहले सब कुछ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर एक समय आता है लालच में तो मत मांगो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके ऊपर हमने पूरा प्रकरण लिया था पिछले साल कि मांगना जायज है कि नहीं। अगर गुरु को प्राप्त करने के लिए कुछ मांग रहे हो तो हर चीज जायज है। गाड़ी मांग रहे हो, मन करता है सेवा करने का, संगीत को लाने का, जायज है।
इसीलिए धन मांग रहे हो कि मन करता है सेवा करने का, जायज है, इकट्ठा करने के लिए मांग रहे हो नाजायज है। यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी का हक देना नहीं है, बाबा नंद सिंह जी के वचन परिवार कहने में है, किसी का देना नहीं है तो कहते थे मांगना कुछ गुरु से और पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस शुक्राने में रह के नाम जपना चाहिए। अगर इकट्ठा करने के लिए मांग रहे हैं तो नाजायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए मांग रहे कि सामने वाले के पास चार गाड़ियां, मेरे पास एक है, इसीलिए मांग रहे हैं, नाजायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। आखिरी पंक्तियां श्री जपजी साहब जी की, जिनको नदर कर्म तिनकार। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें। बहुत सारे विद्वानों ने ना इन दोनों अक्षरों के अर्थ सेम किए हैं, नदर और कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिनको नदर कर्म तिनकार नानक नदरी नदर निहाल। के नदर क्या है? उसकी कृपा। और कर्म क्या है? वो भी उसकी कृपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर यही बात होती तो दोनों अक्षर इस्तेमाल ना करते पाछा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसको थोड़ा गहराई से विचारना पड़ेगा। जिनको नदर कर्म तिनकार। एक आदमी प्रभु को पाने के लिए अभी मन बन गया कि पाना है, उसने अपना नेम बढ़ा लिया, 2.5 घंटे से 6 घंटे कर लिया, ठीक है। अब वो समाधि में लीन रहता है, जाप करता है, भक्ति करता है, तप करता है, 6-6 घंटे बैठकर भक्ति करता है। ये क्या है? महापुरुष समझाते थे ये है कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप वो भी नहीं किया जा सकता। आप जपाए जपाए सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गवाम। हम सोचे हम गा रहे हैं, नहीं वो गवा रहा है। अभी गला बंद पड़ जाए, गला खराब हो जाए, क्या कर लेगा कोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप जपाए जपाए सो नाओ, कोई जपाता है वो तो हम जपते हैं, उसे कहते हैं कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम जप भी रहे हैं, अगर मन बना है नाम जपने का, तो वो भी उसका कर्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई 6 घंटे जप कर रहा है पर बात नहीं बन रही, मन टिकाव में नहीं आ रहा, मन खिंडाव में, वही काम करो, लोम ओंकार तंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहा है, बात बन नहीं रही, कर्म कर रहा है वो, क्योंकि उसका कर्म हो गया है पर बात बन नहीं रही। अब क्या करेगा? 8 घंटे कर दूं, 10 घंटे कर दूं, 12 घंटे कर दूं, कोई 24 घंटे कर ले। अभी 24 से 25 घंटे तो कर नहीं सकता है क्योंकि समय इतना होता है दिन का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी की एक लिमिट है ना, हमारी एक लिमिट है कि 24 घंटे ही नाम जप ले बैठकर, फिर भी अगर प्राप्ति नहीं हो रही तो कमी किस चीज की है? बड़े ध्यान से समझना। कोई 24 घंटे कर ले, बाबा नंद सिंह जी को बाबा महा राम सिंह जी ने सवाल पूछा था जब उनके पास रहकर सिमरन भक्ति करवा रहे थे। एक दिन जब आए तो कहने लगे आप कितने पाठ करते हो श्री जपजी साहब जी के? बाबा नंद सिंह जी कहने लगे 101। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा महा राम सिंह जी कहने लगे अब भी गिनती कर रहे हैं, पाना बेअंत को है, पाठ भी बेअंत करने पड़ेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव, हमारी एक लिमिट है। एक आदमी कितना कर लेगा? 24 घंटे से ज्यादा तो कर नहीं सकता, 24 घंटे से ज्यादा तो एक मिनट है भी नहीं दिन में। जब आदमी की अपनी सारी समर्था खत्म हो जाती है कर करके, जहां पे हमारी ताकत खत्म होती है वहां पर गुरु नानक की नजर शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब आती है नदर। सब कुछ कर लो, जितना मर्जी नाम जप लो, जितनी मर्जी सेवा कर लो, बात तब बनेगी जब उसकी नदर होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन एकाग्रचित होना, मन जुड़ना हमारे हाथ में नहीं है। कई लोग कहते हैं मन नहीं जुड़ता, हमारे हाथ में नहीं, ये तो गुरु को अरदास करनी पड़ती है रोज, तरस कर मन जोड़ दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कीर्तन से पहले अरदास करनी पड़ती है, पाछा तरस करना मन जुड़ जाए कीर्तन में, ध्यान तेरे चरणों से जुड़ा रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमारी समर्था नहीं, एक सेकंड लगता है ध्यान खिंड जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है उसकी नदर। अगर ध्यान जुड़ गया तो उसकी नदर है, नहीं जुड़ा तो उसकी नदर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब नदर कर देता है ना, फिर वो सुरत कभी टूटती नहीं। नदर करे था फिर तो सिमरन की दात मिल गई, फिर वो सुरत नहीं टूटती, फिर वो लवी नहीं टूटती, फिर वो तार नहीं टूटती, फिर वो जाप अजप्पा जाप बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए सबसे बड़ी दात है ये सिमरन।
आओ मांगलिए तरस कर पाचा नदर कर नदर करे कासिम रे आजाए गुरु के प्यार गाओ सच्ची वाणी तो गाओ गुरु के रे वाणी आशीर्वाणी जिनको नदर करम होवे हृदय तिना समाणी हृदय तिना समाणी। घर से बोलिए धन गुरु नानक। कितने क्लियरली समझाया पातशाही वाणी में, आओ सिख सतगुरु के प्यारो गावो सच्ची वाणी। तू गा वाणी, वाणी तो गावो गुरु केरी वाणी आसिर वाणी। हम गा सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, पर हमारे हृदय में प्रवेश करे ये हमारे हाथ में नहीं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा कर्म क्या है कि हम पढ़े, हम गाएं, पर अगर हम कहें कि अपने हृदय में बसा लेंगे वो हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि वाणी कह रही है जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम मेहनत कर सकते हैं, फल हमारे हाथ में नहीं है, फल गुरु नानक के हाथ में है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम केवल मेहनत कर सकते हैं, इसीलिए तो कहा है अमृत वेला संभालो, ये मेहनत है करो उसकी नजर होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्म साखी में गुरु नानक पाशा के बोल लिखे हुए हैं कि हो सकता है कंदरों में बैठे ऋषि मुनियों को कई जन्म लग जाएं, कई युग लग जाएं दर्शनों को, प्राप्ति को, मुक्ति को, पर जो अमृत वेले घर में बैठ के भी दृष्ट धर्म में रह के भी अमृत वेला कोई संभाल ले, पक्का नेम बना ले, उसे प्राप्ति उनसे पहले होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और यकीनन होगी कोई संभाल ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नदर करे ता सिमरे आ जाए नदरी सेवा होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदरी सतगुरु सेवी है, नदरी सेवा होए, सेवी कहते हैं सिमरन को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उसकी नदर से ही सिमरन हो सकता है और सेवा भी उसकी नदर से ही हो सकती है।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम संभाल, हाथ पांव कर काम सब चित निरंजन, चित निरंजन के साथ। सतगुरु की सेवा सफल है जेको करे चित लाए भाव। सेवा कर रहा है हाथों से, चित है सिमरन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब वो सेवा सेवा है अगर चित में सिमरन चल रहा है। पाछा कह रहे हैं नदरी सतगुरु सेवे नदरी सेवा होए। हम जो कर रहे हैं वो है काम। कोई जोड़े साफ कर रहा है वो काम कर रहा है, कोई लंगर बना रहा है काम कर रहा है। अगर सिमरन साथ में नहीं है तो, और अगर साथ में सिमरन है तो वो सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हाथों से काम कर रहे हैं, चित निरंकार से जुड़ा हुआ है तो वो सेवा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदरी सेवा होए, नदरी एह मन वस आवे, नदरी मन निर्मल होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन बस आवे नानका जे पूरन कृपा होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृपा क्या है? नदर नदरी एह मन वस आवे। ये मन जो बस में नहीं आता उसकी नदर हो जाए तो बस में आ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदरी मन निर्मल होए। क्यों? क्योंकि सिमरन शुरू हो गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। मेरे मन चेत सच्चा सोए, एको चेते ता सुख पावे, फिर दुख न मूले होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नदर करे ता सिमरिया जाए। नदर होती किसके ऊपर है? अब सवाल सबसे ये उठता है, हम बार बार कह रहे हैं उसकी नदर हो जाए, नदर नदर हो कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। सवाल तो ये है ना कि अब नदर मिले कैसे। पहली बात तो हो गई कि नेम संभालो, करैक्टर संभालो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन संभालो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लिख गए हैं, रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ ठाकुर ओ साहेब मैं उसका चेहरा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं, मुझे सिख प्यारा नहीं है, मुझे रहत प्यारी है। रहत क्या है? करैक्टर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रहत का डेफिनेशन बहुत बड़ा है कि रहत में क्या क्या है, पर सबसे ऊंचा है सिद्धक करैक्टर, जीवन संभालना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक घटना बड़ी प्यारी आती है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दीवान लगा हुआ है, मेरे धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज संगत से प्रवचन कर रहे हैं, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत में प्रवचन कर रहे हैं, ध्यान गया, एक बड़ा प्यारा सा लड़का बैठा है जवान, बड़े प्यारा। उसे कहने लगे, अपने पास बुलाया, कहने लगे मेरे पास आगे आके बैठ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जवान लड़का, दाढ़ी आई हुई मुंह पर, बड़ा प्यारा लग रहा है। संगत को ऐसे लगा बड़ा प्यारा लग रहा है इसलिए पास बिठाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि देखने में भी बड़ा प्यारा था, जवान था। अब रोज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जब प्रवचन करते तो वो खुशी से आगे आके बैठ जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने इतना प्यार दिया, लोग भी उसका सत्कार करने लग गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पास बैठाया तो कुछ खास होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको भी बड़ा अपने आप पे आने लगा कि मैं इतना प्यार हूँ, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने पास बिठाया है। तो जब सुबह तैयार हो रहा था, पगड़ी बांध रहा था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास आने के लिए, तो आईने में देखते देखते देखा कि काले बालों में एक सफ़ेद बाल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आ जाता है कई बार जवानी में भी सफ़ेद बाल। मुझे तो 8th स्टैंडर्ड से ही सफ़ेद बाल आ गए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो उसने देखा सफेद बाल है, उसने हाथ से उसे जोर से खींच के निकाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज मुझे इतना प्यार करते हैं कि इतना खूबसूरत चेहरा, काली दाढ़ी में एक सफेद बाल अच्छा नहीं लगता, खींच के निकाल दिया। आया जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के करीब आके बैठा, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पीठ घुमा दी उसकी तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी तरफ देखा भी नहीं प्रेम से, और पीठ कर दी उसकी तरफ के उसको देखना ही नहीं। उसको लगा शायद कुछ गलत, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को उस तरफ ध्यान होगा, तो वो उस तरफ आके बैठ गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सेवादार से कहा, इसको कहो पीछे चला जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो रो पड़ा कि मुझसे क्या भूल हुई आज, मेरी गलती तो बताओ।
आप मुझसे पीठ कर रहे हो, मुझे दूर भेज रहे हो अपने से, रोज मेरे मुझे पास बैठाते हो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, हमने तुझे पास बिठाया इसलिए था कि हमने देखा तेरी काली दाढ़ी में एक सफेद बाल है और तूने उसे निकाला नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे करेक्टर पे खुश हुए थे हम, तेरे जीवन पर, कि तुझे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है कि जैसा जन्म हुआ है वैसे ही मरना है, कुछ भी नहीं करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना दाढ़ी काली करनी है ना सफेद बाल निकालना है। हम इसी बात पे तुझे खुश हुए थे कि इतनी जवानी में भी तूने सफेद बाल नहीं निकाला और आज तूने वो निकाल दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। करेक्टर इज गॉन, एवरीथिंग इज गॉन। जीवन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज परेशानी उस पर होते जिसने जीवन संभाला हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की नजर उस पर पड़ी ना, इतनी संगत ने बैठे हुए क्यों पड़ी, क्योंकि उसने जीवन संभाला था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये प्रत्यक्ष गुरु नानक बैठे, ये आडंबर थोड़ा रचा कोई, प्रकाश किया हुआ है, पांच प्यारे खड़े हैं, इतनी संगत बैठी है, माथा टेक रही, गुरु नानक प्रत्यक्ष बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। श्री अकाल। नजर किस पे पड़ेगी, जिसने जीवन संभाला होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जीवन संभालो तो नजर है, और अगर यहाँ पर रहकर भी, यहाँ पर आकर भी अपनी मन मर्जियां ही करनी है, बाहर जाकर गलत व्यवहार ही करना है, लोगों को ठगना ही है, अच्छे बनकर यहाँ दिखाना है, बाहर जाकर लोगों से झगड़े ही करने हैं, लोगों को लूटना ही है, सारे गलत काम करने हैं, तो नजर उपट्ठी भी हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नजर उपट्ठी जय करे सुल्ताना काओ कराइंदा, लख खुशियां पातशाहियां जय सतगुर। अगर उसकी सुहेली नजर हो गई तो लख खुशियां पातशाहियां, और अगर उसकी उपट्ठी नजर हो गई तो सुल्ताना कहा कराइंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना बड़ी प्यारी है, सुन लीजिए, बहुत ही प्यारी घटना है। इसमें साफ पता चलता है कि नदर सुहेली क्या है, नदर उपट्ठी क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दारा शिको नाम इतिहास में सबने सुना होगा। ये आया गुरु हरराय साहब जी के पास, दरबार सजा हुआ, कीर्तन हो रहा है, गुरु हरराय साहब जी विराजमान है। जैसे इसने एंटर किया अंदर, इसके कानों में पंक्तियां पड़ी बाने की, पड़ी कौन सी पंक्तियां पड़ी बाने की, सुनिए। नदर उपठी जे करे सुल्ताना का हो कराएगा, दर मंगन बिख ना पाएगा, दर मंगन बिख ना पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही अंदर आए, इसके कानों में ये पंक्तियां पड़ी कि नजर अगर उठपट्टी हो जाए गुरु की, किसी के कर्मों पर, कर्म अगर बुरे कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, पाप कमा रहे हैं, तो उसकी नजर उपट्ठी हो गई तो क्या होता है, सुल्तान हो उसे घास खाना पड़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुल्तान 36 प्रकार के पदार्थ खाते हैं, घास खाना पड़ जाता है सुल्तान को अगर नजर उपट्ठी हो जाए। ये दारा शिकोह ने क्या किया, गुरु हरराय साहब जी से कहने लगा, मैं इन बाणी की पंक्तियों को नहीं मानता, आप कहते हो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की एक एक अक्षर सच है, ये तो झूठ है, मेरे पास लाखों के तादाद में सैनिक, मैं सुल्तान हूँ। दारा शिकोह कहते हैं, लाखों की तादाद के मेरे पास सैनिक, सोने के बर्तनों में खाना खाता हूँ मैं, क्या मेरे ऐसे दिन आएंगे कि मुझे घास खानी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसने क्या किया यहाँ पर, सबसे बड़ी भूल ये कभी नहीं करनी चाहिए वाणी पर किंतु परंतु। देखो, एक होता है सवाल पूछना क्यूरियोसिटी से, जिज्ञासा वश होके किसका क्या भाव है, और एक गुरु पर उंगली उठा देना, गुरु पर किंतु परंतु कर देना, गुरु पर सवाल उठा देना, सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुत्ता जाए। इसने भूल कर दी, इसने ये नहीं कहा कि इसका अर्थ क्या है, ऐसे क्यों हो सकता है, समझाओ, इसने तर्क कर दिया कि मैं नहीं मानता वाणी को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हरराय साहब जी सातवें गुरु नानक के मुख से वचन निकल गए, अगर तू नहीं मानता इसी जीवन में
तू ये होते हुए देखेगा तेरे साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे फिर एक एक वाणी के अक्षर एक एक सच समझ में आएगा। याद रखना तूने अर्थ क्या किए हैं। अर्थ क्या है कि सुल्तान को घास खाना पड़ता है और मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। दर मंगन भीख भी ना पाएंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी हालत भी हो सकती है अगर गुरु की नजर उपट्टी हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे बख्शा लेना चाहिए था गुरु से कि मुझसे भूल हो गई पर ये अकड़ के चला गया। दारा शिको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भाई किसका था? औरंगजेब का। समा आया, सब जानते हैं इतिहास को। औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया दारा शिको, और इसमें युद्ध हुआ बहुत जबरदस्त। ये हारा, भागा, लाहौर में जाके छिप गया। सैनिकों ने इसे पकड़ा। पकड़ कर औरंगजेब ने हुक्म सारा ढिंडोरा पिटवा दिया सारे मुल्क में कि जो भी दारा शिको को खाना खिलाएगा, किसी भी प्रकार की मदद करेगा, पानी पिलाएगा, उसके पूरे परिवार को कोलू में पीट दिया जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पिसवा दिया जाएगा पूरे परिवार को। इतना निर्दयी था औरंगजेब अपने सगे भाई को। अपने भाई को क्या किया सैनिकों ने, इसके हाथ दोनों पीठ पे बांधे पीछे रस्सियों से, हाथी के ऊपर बिठाया और कहाँ से लेके आ रही, लाहौर से दिल्ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप अंदाजा लगाइए कितने दिन लगेंगे लाहौर से दिल्ली हाथी पर आते हुए। और कहा कुछ नहीं खिलाना है, कुछ नहीं पिलाना है, हाथ भी नहीं खोलने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दारशिको की वो हालत हो गई, हाथी पर बैठा है, हाथ बंधे हुए, कई दिन हो गए ना खाए ना पिए, मर रहा है, रो पड़ा। सैनिकों से कहते कुछ खिला दो, कुछ भी खिला दो, बहुत भूख लगी, मर जाऊंगा, कुछ पिला दो। सैनिक कहने लगे बादशाह बहुत जुल्मी है, कई गुप्तचर इतनी सेना में है, कोई जाके बता देगा हमने तुझे खिलाया, मार डालेगा हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा तुम्हारे हाथ नहीं खोलने हैं। तो दारशु को कहने का हाथ मत खोलो, ये चने के खेत हैं जहाँ से हम गुजर रहे हैं, खेतों में से गुजर रहे थे, मुझे ऐसे नीचे छोड़ दो, जानवरों की तरह मैं मुंह से खा लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसे छोड़ दिया गया कि हाथ नहीं खोलेंगे, बादशाह का हुक्म था। वो चने को खा रहा है चने के खेत में, हरे चने जो होते हैं, और साथ में खाते खाते मुंह में घास आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हर राय साहब जी के वचन याद आ गए, वाणी की पंक्तियां याद आ गई। नदर उपट्टी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा। घास खा रहा है आज वो सुल्तान जो सोने के बर्तनों में खाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। बाबा नंद सिंह जी कहते थे किसी गरीब को सताने के वक्त डरा करो, और बाकी चीजों की भी माफी है, कुछ हो जाता है। किसी गरीब का हक मारते वक्त, किसी गरीब पर जुल्म करते वक्त, जिसके पास ताकत नहीं उसे दबाते वक्त जरा सोचा करो, उसके दिल की बददुआ निकली हुई तुझे तेरी जड़ों से तुझे हिला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मत गरीब को सता, गरीब रो देगा, अगर सुन लेगा खुदा तू जड़ से खो देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये राजे महाराज करते क्या है, इन्हें पता ही नहीं होता, कमरे में बैठ के ऑर्डर पास कर देते, कितने सारे टैक्स लगा देते हैं, ना चाहते हुए भी अनगिनत पाप कर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहते हुए तो करते ही है ताकत के नशे में, पर ना चाहते हुए ना जाने कितने पाप कर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तो वाणी में कहा है तपो राज, तप करके राज मिलता है, फिर राज से नरक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब घास खाई तो प्यास तो लगी है। इसने क्या देखा है, एक औरत चावल धो रही है। दारशिको ने देखा चावल धोकर, जो चावल के ऊपर का पानी होता है वो बाहर गिराते हैं ना, ये दौड़कर वहां चला गया, हाथ बंधे हुए जानवरों की तरह दौड़कर वहां गया कि माई पानी फेंक मत, ये मुझे पिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये चावल का पानी ही पिला दे। वो कहने लगी औरंगजेब ने हुक्म जारी किया पूरे परिवार को पीस देगा, मैं इस पानी को नाली में तो फेंक सकती हूँ, तेरे मुंह में नहीं दे सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पानी, चावल का पानी तक उसे नहीं मिला। पंक्तियां क्या थी, दर मंगन भीख ना पाएंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज भीख मांग रहे पानी की, वो भीख भी नहीं मिल रही उसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माणी तीन काल सत्य सात संकच, तीन काल आज सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। महापुरुषों के वचन, अगर कोई वाणी की पंक्ति समझ में ना आए, ऐसा लगे कि ये क्या है, कैसे हो सकता है, ये कैसे कहा गुरु ने, तो अपनी बुद्धि पर शक करना, गुरु की वाणी पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आज अर्थ नहीं समझ में आ रहे, कल आ जाएंगे, सुरत प्रोग्रेस करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मस्कीन जी को सुनोगे ना तो अंतिम समय मस्कीन जी एक बात बार बार रिपीट करते थे, कहते थे
आज मैं ये खुल कर कह के जा रहा हूँ। मुझे लगा था मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे बड़ा ज्ञान हासिल है, बड़ी किताबें पढ़ी हैं, पर एक बात मुझे अब समझ में आई है, इतनी किताबें पढ़ के कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और मैं तो आधे अर्थ भी गलत करते आ रहा हूँ, ये मस्कीन जी के अपने वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो एक्चुअली गलत नहीं होते, जो जहाँ पर खड़ा है वहाँ के अर्थ कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहा गया था कि वाणी के अर्थ कर जो ताकि लोग अनर्थ ना कर दे वाणी का, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने के अर्थ कर दिया तो लकीर खिंच गई कि वाणी वो गहरा समुन्दर है कि जितने भीतर कोई चुभी लगाएगा, डुबकी लगाएगा, उतना गहरा उतना कीमती मोती निकाल कर ले आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए इतने सारे टीके हैं, इतने सारे अर्थ हैं इसके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गलत कोई भी नहीं है, जहाँ पर जो खड़ा है उस हिसाब से वो अर्थ कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नदर गुरु मेर करे कभी उपट्ठी नदर ना हो जाए, डर के रहना चाहिए। अजय तनाव समुद्र में क्या जाना क्या हुई, हमें क्या पता हम कहाँ जाके भूल जाने वाले, कहाँ भटक जाने वाले, कौन सा पाप कर बैठने वाले। डर के रहना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना किसे कहते हैं, दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम क्या करते हैं पूरा टाइम सोशल मीडिया पे, अगर ट्रोल करना किसे कहते हैं, किसी से कोई भूल हो जाए छोड़ते नहीं उसे, मजे लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और याद रखना ये कर्म है, जब हम किसी को ट्रोल करते हैं एक दिन आएगा आपका ट्रोल होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जैसी करनी वैसी भरनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे कहते हैं अजेता नाव समुद्र में मन को समझाओ, वो गलती उसने की है मुझसे भी हो सकती है, अभी तो मैं जीवित हूँ मर थोड़ा गया हूँ। कहा था ना कुत्ते की पूछ अच्छी के दाढ़ी, मरते वक्त कहा कि दाढ़ी अच्छी, कहते पहले नहीं कह सकता, क्या पता कोई गलती हो जाए फिर तेरी कुत्ते की पूछ अच्छी होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, नदर कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे अमृत वेला संभालो सबसे जल्दी नजर हो जाएगी, अमृत वेला संभालो, खेमे छतर सिराए चे दिसन रथ पीड़े, अपने हाथों से वो दोनों जहान के समान हमारे लिए तैयार करते हैं गुरु नानक, अपने हाथों से। खेमे छतर सिराए चे चार पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों चीजें जो अमृत वेले उठेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेला संभालो, नितनेम संभालो, दास की बेनती हर रोज, दास तो मरते दम तक ये बेनती करता रहेगा संगत के चरणों में। सुबह अमृत वेले पाठ होते हैं, इन 40 दिनों में दास की हाथ जोड़कर बेनती है सबसे, जरूर संभाल लो। 1:45 बजे लाइव हो जाया करो, सब यूट्यूब चलाकर बैठ जाया करो, जितनी भी आवाज कान में पड़े, नहाने जा रहे हो तो भी चालू कर लो, हाजिरी लगा लो, जुड़ जाओ वाणी में। इतने लाखों पाठ हो रहे होते हैं, तकरीबन अंदाजे से दास कह रहे हैं 1500 के करीब प्रोजेक्टर्स पे कीर्तन चल रहा है इस वक्त, 1500 प्रोजेक्टर्स, 5000 लोग भी कई जगह पे जुड़े हुए, 1500 5000 रोज वीडियोस आते हैं मेरे पास, एक एक शहर में 15 जगह पर चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी संगत जुड़ी होती है, ये एक पाठ हो जाए सारे जीवन के पाठ हो गए आपके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई जन्मों की भक्ति झोली में पड़ जाएगी, साथ में बैठ जाया करो सब, और आपके बैठने से सबका एक बढ़ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को समझो, जितनी संगत उतना फल। अगर मैं उठ के बैठ गया साथ में, मुझे तो जितनी संगत बैठी उतने पाठ हिस्से में आई, मेरी वजह से सबको एक और बढ़ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 1:45 बजे पाठ शुरू होती है, इस 40 में कम से कम जरूर संभाल लीजिए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नदर करे ता सिमरे आ जाए, नदर करे ता सिमरे आ जाए, ता सिमरे आ जाए, ता सिमरे आ जाए, ता सिमरे जा।
आत्मा द्रवे रहे निवलाए जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
गुरु जी सदा सहाय। ओ नमः शिवाय। शिव जय गुरु जी की।
ब्रह्मा विष्णु